हैप्पी फीस्ट ऑफ एपिफनी, ईदे जुहूर मुबारक हो। तो आइए आज की ईद के पैगाम पर गौर करें। मजूसियों ने मशरक में एक सितारा देखा और उस सितारे को देखने के बाद वो उस सितारे की पैरवी करते हुए मसीह खुदावंद तक पहुंचे, यानी उन्होंने उस सितारे को देखने के बाद अमल किया। जब वो मसीह खुदावंद की तलाश में हैं तो उन्हें मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन ये मुखालफत उन्हें रोक ना सकी और वो इस मुखालफत को अबूर करते हुए मसीह खुदावंद तक पहुंचे। मसीह खुदावंद के पास पहुंचने के बाद वो मसीह खुदावंद के सामने सजदा करते हैं, यानी सरेंडर करते हैं। सरेंडर करने के साथ साथ वो मसीह खुदावंद के आगे अपने कीमती तहाइफ पेश करते हैं, और इन तोहफों को पेश करने के बाद वो मसीह खुदावंद को देखने के बाद एक नए रास्ते से वापस अपने मुल्कों को चले जाते हैं। मसीह खुदावंद को मिलने के बाद हम पुराने रास्ते पर नहीं चलते, बल्कि हम नए रास्ते पर चलते हैं, जिस तरह मजूसी अपने पुराने रास्ते से नहीं बल्कि नए रास्ते से वापस अपने मुल्कों को गए। मसीह खुदावंद को सजदा करने का मतलब है टोटल सरेंडर, यानी हम मसीह खुदावंद के आगे टोटली सरेंडर करते हैं। हम मसीह खुदावंद के आगे गिर जाते हैं, हम मसीह खुदावंद के आगे कुछ नहीं। जिस तरह मजूसी मसीह खुदावंद के सामने सजदा में गिर जाते हैं, इसी तरह मसीह खुदावंद आज हमें भी दावत देता है कि हम उसके आगे गिरें। मजूसी जब मसीह खुदावंद की तलाश में है तो उन्हें बहुत सी अपोजिशन का सामना करना पड़ा, कुछ छोटी अपोजिशन नहीं बल्कि बादशाह की तरफ से, यानी हेरोदेस उनके आगे खड़ा था, जो उनके आगे रुकावट बनकर खड़ा था, लेकिन वो इस रुकावट को अबूर करके मसीह खुदावंद तक पहुंचते हैं। जब मजूसियों ने मशरक का सितारा देखा तो उन्होंने वहां पर सुस्ती का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि वो उस सितारे के पीछे चलते चलते मसीह खुदावंद तक पहुंच गए। तो क्या हम मसीह खुदावंद को तलाश करते हैं? क्या हम मसीह खुदावंद के लिए अपोजिशन का मुकाबला करते हैं? क्या हम मसीह खुदावंद के आगे गिरते हैं? और क्या हम मसीह खुदावंद को पाने के बाद नए रास्तों पर चलते हैं या पुराने रास्तों पर? God bless you and happy Feast of Epiphany.